लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। आज शाम 5 बजे से प्रचार बंद कर दिए गए। बता दें कि प्रत्याशी केवल डोर टू डोर कैंपेनिंग कर पाएंगे। आज शाम 5 बजे से सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी सील हो गयी, शराबबंदी लागू हो चुकी है। बता दें कि उधर चुनाव आयोग ने अति दुर्गम मतदान स्थलों के लिए मंगलवार को 12 पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया। तो वहीं चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार प्रदेश में अब तक 16 करोड़ रुपए से ऊपर की शराब, नशा सामग्री व नकदी पकड़ी गई और अभियान अब भी लगातार जारी। चुनाव आयोग इस बार काफी सख्त दिखाई दे रहा है। वहीं कल से भारत नेपाल सीमा को भी सील कर दिया गया है। बता दें कि पहले चरण में जिन सीटों पर मतदान होने हैं वहां चुनाव प्रचार 48 घंटे पहले शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच अलग अलग समय पर समाप्त हो जाएगा। आज शाम से सार्वजनिक सभा या जुलूस जैसे कई कार्यक्रमों पर रोक लग जाएगी। पहले चरण में जिन 21 राज्यों में वोट डाले जाएंगे उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ राज्य की सीटें भी शामिल हैं। इस चरण में उत्तर प्रदेश की 8, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, राजस्थान की 12, मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड की 5, असम की 4, मेघालय की 2, मणिपुर की 2, छत्तीसगढ़ की 1, अरुणाचल की 2, महाराष्ट्र की 5, तमिलनाडु की 39, मिजोरम की 1, नागालैंड की 1, सिक्किम की 1, त्रिपुरा की 1, अंडमान एंड निकोबार की 1, जम्मू कश्मीर की 1, लक्षद्वीप की 1, पुडुचेरी की 1 सीट पर वोट डाले जाएंगे। इन सभी सीटों पर आज यानी बुधवार शाम को चुनाव प्रचार जो है थम गए। वहीं उत्तर प्रदेश की जिन 8 सीटों पर मतदान होने वाले हैं उनमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत सीट शामिल है। बता दें कि सहारनपुर से राघव लखनपाल एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। तो वहीं पीलीभीत सीट से इस बार योगी सरकार में मंत्री जितेंद्र प्रसाद को टिकट मिला है। वहीं कैराना से बीजेपी ने प्रदीप चौधरी को मैदान में उतारा है। आज शाम 5 बजे से सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सील कर दिया गया है और साथ ही साथ किसी भी तरह का चुनावी प्रचार या कोई रैली आप नहीं कर सकते। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।